फ्रेंड्स, मैं आज आपको खजूर ड्राई फ्रूट्स मोदक की रेसिपी बता रही हूँ। उसके लिए मैंने एक कटोरी खजूर लिए हैं, थोड़ा सा किशमिश लिया है, थोड़े से मखाने लिए हैं, थोड़ी सी खसखस ली है, एक एवरीडे का मिल्क पाउच लिया है और थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट लिए और मैंने थोड़ा घी लिया है। खजूर को मैं बारीक काटकर मिक्सी में थोड़ा थोड़ा करके उसे पीसूंगी और उसके साथ ही मैं उसमें किशमिश भी पीस लूंगी। मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल दिया है। घी हमारा गर्म हो गया है और ड्राई फ्रूट्स को मैंने बारीक बारीक काट दिया है। अब मैं घी में ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करूंगी। ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो गए हैं, अब मैं इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल रही हूँ। अब इसी कढ़ाई में मैं मखानों को रोस्ट करूंगी। मखाने भी हमारे रोस्ट हो गए हैं, अब मैं इसे कढ़ाई से बाहर निकाल रही हूँ। मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच घी और डाला है। अब इसके अंदर मैं खजूर डाल रही हूँ, जिसे मैंने मोटा मोटा मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया है। अब मैं इसके अंदर घी के अंदर इन खजूरों को भूनूंगी। अभी खजूर को मैं कढ़ाई में पूरा उसका मॉइस्चर निकल जाने तक भूनूंगी और खजूर के साथ ही मैंने किशमिश को भी मिक्सी के जार में डालकर मोटा मोटा पीसा है। खजूर का मॉइस्चर पूरे तरीके से सूख गया है। अब मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ और मैंने मखानों को बारीक बारीक क्रश कर लिया है और ये मखाने डाल रही हूँ और ये मैं खसखस डाल रही हूँ। अब पूरे मिक्सचर को मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। थोड़ा मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 पाउच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ और फिर उसे मिक्स करूंगी। इस पूरे प्रोसेस में मैंने गैस को स्लो ही रखा है। इस पूरे मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब ये मिक्सचर हमारा मोदक बनाने के लिए रेडी हो गया है। मैं गैस बंद कर रही हूँ और इस पूरे मिक्सचर को मैं ठंडा होने रख रही हूँ। मोदक का मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है और मैंने मोदक के सांचे को घी से ग्रीस कर दिया है। अब मैं इसके मोदक बनाऊंगी। मैंने इसे अच्छी तरह दबाकर फिल कर दिया है। अब मैं इसे खोल रही हूँ। हमारा मोदक देखिए कितना अच्छा रेडी हुआ है। हमारा मोदक बनके तैयार हो गया है। इसी तरह मैं सारे मोदक तैयार कर लूंगी। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।